क्या नहीं, आपने सब बता दिया। बस आप आपसे आग्रह किया, बिहार वासियों को बता दीजिए। 130 करोड़ देशवासियों का देश, जिसके समर्थन से नरेंद्र मोदी जी ने हर देश के हित में जो जरूरत होता है उस कदमों को उठाने का काम किए हैं। आज भी उन देशवासियों के साथ हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अलगाववादी ताकतों का कुछ नहीं चलेगा। न 370 धारा वापस होगा, न कांग्रेस चाहे जितना 370 धारा का जो अलगाववादी ताकतें वापस लाने की बात कर रही है उसको मैं इसलिए कई बार कह रहा हूं कि उसके उस रवैये से देश दुखी है और इस प्रकार की अलगाववादियों का साथ कांग्रेस दे रही है, इस पर उसके अपने विचार स्पष्ट करने चाहिए। आज मैं राहुल गांधी से और कांग्रेस से जानना चाहता हूं। आज यह इनसे मेरा सवाल है, प्रश्न क्या और हम लोगों का भारत माता की, इसलिए भारत मातृ जय हो विजय हो, यही सब कुछ है, यही महामंत्र भी है। और हर देशवासियों का नरेंद्र मोदी जी का जो संदेश गया है देशभक्ति की धारा का, उस हर देशभक्ति की उस प्रवाह का जो स्वर निकलता है वह है भारत मातृ जय हो विजय हो। चलिए धन्यवाद बोल दूं, मैं तो आपसे इजाजत लेकर धन्यवाद बोलता हूं, बोल दूं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नौजवानों के हाथ में कश्मीर के, चाहे अब्दुल्लाओं का कराज हो, चाहे वह मुफ्ती का राज हो, चाहे वह उस प्रकार के गठबंधन को सपोर्ट करने वाली कांग्रेस का समर्थन हो, हमेशा आतंकवादी गतिविधियों के कारण कश्मीर की गलियों में जहां खून के निशान दिखाई पड़ते थे, आज वहां संविधान के 370 धारा जब माननीय नरेंद्र मोदी जी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में समाप्त हो गया है, 35 ए समाप्त हो गया है, तो जिस गलियों में खून के निशान होते थे वहां कश्मीर की सुंदरताओं की सौंद सुगंध महकती है। उस स्वर्ग सा कश्मीर में अब अलगाववादी ताकतें चाहे जितनी कोशिश कर ले उनकी मंसूबे पूरे नहीं होंगे। और कांग्रेस का वह एक तरफ चुनाव लड़ना, मुफ्ती मोहम्मद साहब ने तो स्पष्ट रूप से कहा था कि कांग्रेस हमारे साथ है, कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। तो आखिर कांग्रेस से हम जानना चाहते हैं कि 370 धारा वापस लाने वाले गुटका संगठन की घोषणाओं पर उसकी सोच क्या है। वही घोषणा 370 धारा वापस होगा कांग्रेस के नेताओं का घोषणा हो रहा है, कांग्रेस की घोषणा हो रही है, वही पीडीपी का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो रहा है, वही अलगाववादी ताकतों का हो रहा है, चीन और पाकिस्तान से सहयोग लेकर वापस करने की बात हो रही है। तो क्या राहुल गांधी जो हमेशा चीन और पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते थे, कांग्रेस सुर का सुर मिलाती थी, क्या उस सुर का वह संदेश नहीं है? कांग्रेस से आप स्पष्ट करें और इस प्रकार के गुपकार संगठन के साथ उसके जो समझौते हैं वो इस देश के लिए क्या संदेश है और क्या कांग्रेस की सोच है, इसको कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए। एक कुछ चीजें ऐसी होती है ना, जब उसके कारनामे सामने आते हैं तो पता चलता है, अगर जिस मुद्दे पर कभी सरकार बनी थी आज वह अलगाववादी विचार को लेकर फलने फूलने की बात कर रही है, और हम जब 370 धारा नरेंद्र मोदी जी की सरकार हटा दी है तो 370 धारा वापस लाने के लिए पीडीपी कर रही है, उसकी इस अलगाववादी विचारधारा का भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार, हम सब देशवासी मिलकर विरोध कर रहे हैं। देखिए लव जहाज पर मैं आपसे बात करूंगा, आज गुपकार गठबंधन में कांग्रेस का किसी न किसी रूप में सम्मिलित होना और उसको सहयोग करना और 370 धारा वापस लाना चीन और पाकिस्तान के सहयोग से
या देश के अहित में है, इतने बड़े मुद्दे पर मैं आपको बताया हूं। और मैं एक बार यह विश्वास भी दिलाना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार है, 370 धारा वापस कभी नहीं हो सकता है, 35A वापस कभी नहीं हो सकता है। कांग्रेस चाहे चीन से सहयोग ले ले, चाहे वह पाकिस्तान से सहयोग ले ले, चाहे उनके नेता जाकर पाकिस्तान में जाकर हमारे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बातें करें, चाहे राहुल गांधी जी चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ सुर से सुर मिला ले, चाहे वह जितना प्रयास कर ले, नरेंद्र मोदी की सरकार है और देश नरेंद्र मोदी जी के साथ है। अलगाववादी ताकतें और विचारधारा और कांग्रेस पराजित होगी।